इसकी रेसिपी है वेज पिज़्ज़ा विदाउट ओवन, घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा अपने घर पर। आजकल के टाइम में बाहर से पिज़्ज़ा मंगाना आसान नहीं है, इसलिए हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, तो हाफ कप गर्म पानी, गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1.5 टेबल स्पून शुगर को थोड़ा घोल देना है और 1.5 टी स्पून छोटे चम्मच ईस्ट डाल के उसको बहुत तेज़ी से उसको चलाना है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी बिल्कुल बहुत अच्छे से घुल ना जाए, और इसको 10 मिनट के लिए करीब रेस्ट के लिए एक जगह पर रख देंगे। पहले बढ़िया से चीनी घोलने के बाद इसको ढक करके रख दीजिए। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसमें झाग जैसे ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब हमारा ईस्ट बहुत अच्छा है और ईस्ट रेडी हो गया है और एक्टिव है। इस समय ईस्ट एक्टिव हो चुका है। अब हम लोग 1.5 कप मैदा, 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 1.5 कप मैदा में 4 लहसुन की कली बहुत बारीक काट लिए हैं और 1 कप पाउडर्ड मिल्क, नहीं तो आप लोग मिल्क भी डाल सकते हैं, और इसमें बटर और करीब 1/4 टीस्पून सॉल्ट। मिलाने के बाद फिर इसमें ईस्ट जो हम लोगों ने एक्टिवेट किया है उसको इसमें डाल देंगे। इतने ही पानी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसी में पूरी मैदा आराम से मिक्स हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हाथ से करीब इसको 7-8 मिनट बढ़िया से मलना है ताकि ईस्ट पूरे उसमें मिल जाए, कहीं भी ईस्ट जो है वो एक साथ ना रह जाए, ताकि पूरी मैदा अच्छे से फर्मेंट होगी और बढ़िया पिज़्ज़ा बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, इसको करीब 7-8 मिनट मलते ही रहना है। मलते मलते एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगी मैदा। आराम से इसमें बटर मिला हुआ है, नमक है, गार्लिक है, तो ये थोड़ा सा स्टेप करीब 7-8 मिनट इसको कंटिन्यू इसी तरीके से मलते रहें। और मलने के बाद एक बर्तन में थोड़ा चिकनाई लगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा चिपकता है फर्मेंट होने के बाद। चिकनाई लगा के और उस बर्तन में इस मैदा को हम लोग रख देंगे, मैदा के डो को रख देंगे। कच्चे से इसको टाइट ढक देना है, ढक्कन से टाइट बंद करके, और ऊपर से इसको किसी ऐसी जगह पर रखेंगे, गर्म जगह पर, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो सके, क्योंकि ठंडी जगह पर ये ईस्ट जो है वो ज़्यादा फ्लपी नहीं होने देता। देखिए 2 घंटे बाद ये करीब अपने से भी ज़्यादा डबल हो गया, मैदा जो है पूरी उठ के बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और इसको फिर थोड़ा सा 1 मिनट के करीब फिर से मल लेते हैं हाथ से, ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। जब पूरे बबल्स निकल जाएंगे तो इसके हम लोग 2 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे इससे। 1.5 कप मैदा में 2 पिज़्ज़ा आराम से बन जाते हैं, तो 2 पिज़्ज़ा की ये तैयारी है। अब एक प्लेट ले लेंगे, क्योंकि हमको ओवन नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हम एक पैन में ही इसको बेक करेंगे, तो एक प्लेट में हल्का सा बहुत थोड़ा सा ऑयल या बटर जो भी रहे उसको हम लोग ग्रीस कर देते हैं, ऑयल ज़्यादा बेटर रहता है। और इसी में उस डो जो हमने गोली बनाई है मैदा के गोले को रख के हाथ से इसी में फैलाना है, थोड़ा सा मोटा जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है उस तरीके से इसको अच्छे से फैला देना है। करीब मीडियम साइज का बनेगा इससे पिज़्ज़ा। और इसमें फोर्क लेक है बहुत, इतना इसमें छोटा छोटा होल करते ही जाना है, इतने ज़्यादा होल कर देने हैं कि ताकि ये कहीं से भी बीच में फूल ना सके, अदरवाइज अगर हम लोग इसमें होल नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से इसमें होल करना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस, पहले हम पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, घर में बनाए हुआ पिज़्ज़ा सॉस है ये, और इसको आप लोग भी घर में बना सकते हैं, इसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये पिज़्ज़ा सॉस पूरे पर स्प्रेड कर देंगे, और ऊपर अगर आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अच्छे से मौजूद हों वो डाल लेना है, और चीज़ तो इसका बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, पिज़्ज़ा में बिना चीज़ के तो बनेगा नहीं, मोज़रेला चीज़ या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसको ग्रेट करके इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। और ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, बेल पेपर्स हैं येलो एंड रेड, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप जो चाहें आप लगा सकते हैं।
और अनियन के शेल्स निकाल के थोड़े से अनियन शेल्स भी लगा देते हैं। ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ऑलिव्स हैं, ऑलिव भी लगा सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा की फुल डेकोरेशन हो गई, एकदम सज के पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर देंगे टेस्ट के लिए, और अगर आपको लगता है तो एक चुटकी आप इसमें सॉल्ट भी कर सकते हैं। वैसे सॉल्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट है उसमें भी। और देखिए पैन को एक गर्म किए, पहले प्री हीट कर लिए, उसमें इस प्लेट को अंदर रख देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। 15 मिनट में लो मीडियम फ्लेम पर ये पककर तैयार हो जाता है। देखिए वेज पिज़्ज़ा बिना ओवन के कितना अच्छे से घर में तैयार हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट है, मार्केट से कम नहीं लगता है, उससे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसमें एक बनाने की संतुष्टि और खुशी साथ में है। धन्यवाद।